गाइज, क्या आप लोग जानते हैं आईफोन पिछले साल से डाउन क्यों जा रहा है? क्या वजह है? लोग आईफोन लेने की नहीं सोच रहे, बल्कि कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेने की सोच रहे हैं। ये आईफोन से खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। 2021 में 240 मिलियन आईफोन बेचे गए थे और 2022 में 162 मिलियन। कितना फर्क है 240 और 162 में, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने पिछले सालों में कुछ बड़ा चेंज नहीं किया, सिर्फ डायनेमिक आइसलैंड का फीचर दिया गया आईफोन 14 में। 13 में भी सेम, 12 में भी सेम, जो 11 है उसमें भी सारी चीज़ें मोस्टली सेम ही थी। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा बहुत फर्क हो गया। तो वो क्या हो गया, हर साल नया आईफोन निकलता है तो थोड़ा बहुत तो फर्क देंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन जिस हिसाब से प्राइस रेंज है उस हिसाब से इन्होंने चेंज नहीं किया। अब लोगों का विश्वास उठने लगा है कि आईफोन नहीं लेंगे। 78 मिलियन आईफोन जो कि 2022 में सेल नहीं हुए थे, वो जाना चाहिए था आंकड़ा और भी ज़्यादा, 240 मिलियन से ऊपर, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन ये डाउन कैसे चले गए आईफोन? सबसे पहले जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव हैं कि इन्होंने 130,000-140,000 इसके आसपास प्राइस रेंज दे रखी है। दूसरी चीज़, चलो एक्सपेंसिव तो ठीक है, जिसको बाई करना होगा तो वो तो बाई करेगा। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ भी चेंज नहीं किया, पिछले 4-5 साल में कुछ भी चेंज नहीं किया। एक डायनेमिक आइसलैंड का फीचर दे दिया गया अब की बार 14 में, और कुछ ज़्यादा नहीं। लोगों ने बहुत बार डिमांड की, पिछले कई सालों से लोग डिमांड करते आ रहे हैं कि सी पोर्ट लाओ, वो भी नहीं लेकर आए। क्योंकि जब हम आईफोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर लैपटॉप से आईफोन में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो लाइटनिंग केबल बहुत ही स्लो काम करती है, और यहाँ पर देखा जाए तो जो कि सी पोर्ट बहुत ही फास्ट काम करती है, साथ ही साथ चार्जिंग के मामले में भी बहुत ही अच्छा काम करेगी। आजकल के स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट आ रही है, हम चार्जिंग स्पीड भी फास्ट नहीं कर रहे। Xiaomi के स्मार्टफोन देख लो, 9 मिनट में चार्ज हो रहे हैं, और आईफोन देख लो वही पुरानी, मतलब वही चार्जिंग स्पीड, बैटरी बैकअप भी वही, कैमरा परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं, कैमरे में कोई बदलाव नहीं किया गया ज़्यादा, वही मेगापिक्सल्स, यानी कि सारी चीज़ वही है, इन्होंने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, और इसलिए इनकी सेल हर साल डाउन जा रही है। क्यों डाउन हो रही है? दूसरा सबसे मेन रीज़न क्या है कि एक आईफोन है, अगर टूट जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम टूट फूट जाता है, या फिर हम बात करें कैमरा टूट जाता है, डिस्प्ले चली जाती है, इतने एक्सपेंसिव हैं ये, इनकी एक्सेसरीज इतनी एक्सपेंसिव है। ये आप देख रहे हो ना पीछे कैमराज, ये जो कि अगर एक कैमरा, तीन है ये, अगर एक कैमरा, कैमरे में कुछ दिक्कत आ गई तो चेंज करवाना पड़ेगा, सीधे 6,000-7,000 रुपये लगेंगे एक कैमरे के, और तीन कैमराज के 21,000-22,000 रुपये। डिस्प्ले देख रहे हो, डिस्प्ले चली गई, डिस्प्ले आप देख रहे हो, सीधे 22,000-23,000 रुपये लगेंगे। पीछे से बैक पैनल चला गया तो सारा का सारा आईफोन रिप्लेस होगा, 50,000-60,000 रुपये लगेंगे। तो लोगों को अब समझ में आ चुकी है कि ये अब कचरा बन चुका है, किसी को शौक नहीं है दिखावे के लिए पैसे लगाने का। जिसको बाई करना होगा तो वो तो बाई करेगा ही डेफिनेटली। अब जो भी लोग बाई कर रहे हैं तो वो लोग इसके फीचर्स नहीं देख रहे, ना इसमें ये देख रहे कि क्या कमी है, फास्ट चार्ज होता है या नहीं होता, वो तो बाई करेंगे ही, उनको तो आँख बंद करके बाई करना जो आईफोन लवर है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको चाहिए फीचर्स, फास्ट चार्जिंग, काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि आईफोन ने पिछले कई सालों से नहीं की है। इसके टक्कर में अब सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा आ गया, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, फास्ट चार्जिंग, बैटरी बैकअप अच्छा, डिस्प्ले साइज अच्छा, सारी चीज़ें एकदम जबरदस्त हैं, प्रोसेसर भी कमाल का है। आईफोन से लोग एंड्रॉयड की तरफ अपग्रेड कर रहे हैं, यही रीजन है कि आईफोन की सेल डाउन चली जा रही है। 2021 में भी लोगों ने सोचा था कि कुछ न कुछ आईफोन नया लाएगा, उस टाइम आईफोन 13 में भी कुछ खास नहीं हुआ। अगर हम बात करें 2022 के साल की, सिर्फ एक दो फीचर्स लाया डायनेमिक आइसलैंड वाला, और कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं लेकर आया आईफोन। तो लोगों को समझ में आ चुका कि आईफोन जो कि कुछ भी फीचर्स नहीं ला रहा नए, क्योंकि जो जिनके पास 12 थे, 13 थे, 11 थे, वो अपग्रेड नहीं कर रहे। अब जिनके पास 11 था, 12 था, 13 थे, उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है यार आईफोन 14 क्यों ले हम, 13 ही ठीक है, सेम वही तो फीचर्स हैं, क्यों अपग्रेड करें, क्या रीज़न है? तो उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, नया आईफोन नहीं लिया, इसलिए जो कि इतनी कम सेलिंग हुई है 2022 में। अब 2023 में आईफोन 15 आएगा, अगर उसमें
चेंज नहीं किया तो बिल्कुल नोकिया की तरह डाउन हो जाएगी मार्केट, क्योंकि 2-3 साल से लोग वेट कर रहे हैं। अब की बार क्या वेट कर रहे हैं कि जो सी पोर्ट आएगा। आईफोन 15 से भी लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीद है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पिछली साल की तरह, उससे पिछली साल की तरह कुछ भी खास नहीं करेंगे एप्पल वाले, और फिर से इनकी मार्केट वैल्यू डाउन जाएगी।